नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फिर पड़ी महंगाई की मार, दिल्ली में 95 पैसे महंगी हुई CNG, इस साल 25 रुपए से ज्यादा महंगी हुई। राहुल की यात्रा को ठहराने से NHAI का इनकार, रुकने के लिए अब नए विकल्प तलाश रही पार्टी। उत्तराखंड में सख्त हुआ धर्मांतरण कानून, अब 10 साल तक की हो सकती है सजा। लव जिहाद भी राज्य में बैन, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। सुपर पावर बनेंगे लेकिन दूसरे देश की इंच भर जमीन कब्जाने की मंशा नहीं, चीन पर राजनाथ सिंह। CM धामी का अधिकारियों को दो टूक, अनावश्यक रूप से फाइलें लंबित की तो संबंधित अफसर कर्मचारी की होगी जिम्मेदारी। LAC के करीब तालाबों का निर्माण करा रही इंडियन आर्मी, जवानों को मिल सकेगा पीने का साफ पानी। आम लोगों को राहत, कुछ चीजों से हटी GST, पान मसाला और गुटखा उत्पादों पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। UP के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना होगा महंगा, अगले साल से बढ़ जाएगी 12% फीस। अब आपके गैस सिलेंडर पर होगा QR कोड, इससे गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और चोरी पर लगेगी लगाम, साथ ही मिलेंगे कई फायदे। नीतीश को CM बनाने में हेल्प का जीवन भर रहेगा अफसोस, शराब से मौत पर बोले प्रशांत किशोर। जम्मू कश्मीर में BJP कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं की सुरक्षा घटी, ऑडिट के बाद बड़ा फैसला। युवाओं को नौकरी का भरोसा नहीं, किसानों को सपोर्ट नहीं, राहुल गांधी का फिर मोदी सरकार पर हमला। LAC पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा भारत, 4G कनेक्टिविटी और चेक पोस्ट तक सड़कों पर फोकस। राज्यपाल को तुरंत हटाए वरना महाराष्ट्र जल उठेगा, केंद्र को शरद पवार की चेतावनी। असम राज्य में किसानों की आय होगी दोगुनी, सरकार ने मिलेट मिशन के तहत बनाया अनोखा प्लान। त्रिपुरा मेघालय दौरे पर जाएंगे PM मोदी, 6800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। अभी से कर ले छुट्टियों के बाद काम पर लौटने की तैयारी, प्रीमियम ट्रेनों में बढ़ सकता है टिकट का दाम। अब नहीं चलेगी गूगल की मनमानी, मर्जी के बगैर ट्रेस की लोकेशन तो भरना होगा जुर्माना। एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का हल्ला बोल, निकाला विरोध मार्च, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार रहे शामिल। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में मध्य प्रदेश, टास्क फोर्स का किया गया गठन। रूस यूक्रेन जंग को लेकर UN में भारत ने फिर जताई चिंता, कहा हम तनाव कम करने की कोशिश में लगे हैं। अगले 2 हफ्ते एयरपोर्ट पर टूटेंगे भीड़ के रिकॉर्ड, एक्सरे मशीनें दोगुना नहीं की तो फिर मिस होगी फ्लाइट्स, बनेगा मच्छी बाजार। ट्विटर का बड़ा फैसला, दोबारा चालू होंगे बैन अकाउंट्स, यूजर्स को मिलेगी राहत। वैश्विक GDP का 80% है G20 देशों के पास, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी भी रहती है इन्हीं देशों में। अगली फसल आने तक नहीं होगी अनाज की कोई कमी, भंडार में पर्याप्त खाद्यान्न, केंद्र सरकार। भारतीय नौसेना की हिंद महासागर में बढ़ेगी क्षमता, स्वदेश निर्मित INS मुर्मुगाव आज नौसेना में होगा शामिल। हर डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर का झंझट खत्म, USB टाइप सी पर बनी सहमति। 2023 में चीन बढ़ाएगा पड़ोसी देशों की मुश्किलें, जबरदस्त कोरोना विस्फोट का खतरा, मरेंगे लाखों। जहरीली शराब कांड, 70 लोगों की मौत, BJP के बाद चिराग ने कहा CM नीतीश पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा। नीतीश पर BJP हमलावर, सुशील मोदी बोले CM बाजीगर की तरह फूक मार निकाल देते हैं नियुक्ति पत्र। भारत से छीन सकता है वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी, BCCI को होगा 900 करोड़ का नुकसान। WHO ने कहा HIV/TB की टेस्टिंग में आई कमी, एक्सपर्ट बोले कोरोना में अन्य बीमारियों में बढ़ती गई लापरवाही। भरोसे के लायक नहीं है चीन, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में लैंडिंग डॉग गश्त के लिए स्पीड बोट तैनात किए। केजरीवाल के मंत्रियों पर ठग सुकेश के आरोप सही, चैट कॉल से मिला सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत को 120 करोड़ रुपए देने का रिकॉर्ड। गांव-गांव में मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, BSNL ने बनाया जबरदस्त प्लान। उत्तराखंड में पशुओं से संबंधित किसी भी समस्या के लिए डायल करें 1962, CM धामी ने पशुपालन विभाग को दिए सौगात। बिहार के बक्सर निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका से अलर्ट, बूथ लुटेरों को देखते ही गोली मारने के निर्देश। कोहरे में न ट्रेन होगी लेट और न ही होगा एक्सीडेंट, फॉग सेफ्टी डिवाइस से सुरक्षित चलेगी ट्रेनें। ट्राई का नया फीचर लगा देगा स्पैम कॉल्स करने वालों की वाट, ट्रू कॉलर के भी छूटे पसीने। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिकों के 4 करोड़ से अधिक हेल्थ रिकॉर्ड किए गए डिजिटाइज, मनसुख मंडाविया।
पेशेवर बुनकरों के लिए कर्नाटक सरकार ने उठाया महत्वपूर्ण कदम, अपनी इकाई स्थापित करने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। पशुओं के कारण ट्रेन हादसे को रोकने के लिए बनेगी विशेष तरह की सुरक्षा दीवार, रेल मंत्रालय का फैसला। वायरल इन्फेक्शन पर देश के अलग अलग हिस्सों में होगा शोध, 28 से अधिक ICMR केंद्रों पर शुरू होगा अध्ययन। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर आरोप, चीन मुद्दे पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे हैं पीएम मोदी, ये नैतिक जिम्मेदारी। हेडफोन व तेज संगीत के कारण 1 अरब युवाओं को बहरेपन का खतरा, अध्ययन में बात आई सामने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 2024 तक भारत की सड़कें होगी अमेरिका जैसी। स्कॉलरशिप का बढ़ेगा अमाउंट, ज्यादा स्टूडेंट को मिलेगा फायदा, सरकार को मिली सिफारिश। नकली करेंसी, आतंकी फंडिंग और काला धन रोकने के लिए की गई थी नोटबंदी, हाईकोर्ट में केंद्र ने फैसले को सही ठहराया। मानव के विकास पर नई रिसर्च, 25,000 साल पहले भारत में रहते थे दुनिया के आधे लोग, BHU के वैज्ञानिकों का खुलासा। देश में बन रहे 300 तरह के हथियार, यह आत्मनिर्भर भारत, राहुल के बयान पर अनुराग ठाकुर। एक ऐसा राष्ट्रवाद है, 4 साल सेना में काम करो और फिर जीवन भर बेरोजगार रहो, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। EWS छात्रों को नहीं मिल रहा एडमिशन, SC ने कहा प्राइवेट स्कूल दे दाखिला नहीं तो होगी कार्रवाई। आंध्र प्रदेश ग्रीन एनर्जी पर गंभीर, देश में सबसे अधिक 81,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी। कांग्रेस ने कर्नाटक सरकार पर वोटर लिस्ट में चुनावी धोखाधड़ी का लगाया आरोप, मुख्यमंत्री बोम्मई का मांगा इस्तीफा। बिजली खपत संपत्ति कर से बढ़ेगा GST का दायरा, गैर GST पंजीकृत कारोबारों की पहचान की जाएगी। गरीबों को 2 महीने से नहीं दिया गया राशन, CM आवास का करेंगे घेराव, दिल्ली सरकार पर BJP का वार। हृदय रोग में भी सुरक्षा देता है फ्लू का टीका, हार्ट फेलियर की स्थिति में कम करता है मौत का खतरा। मुंबई में MBA और BJP का प्रदर्शन, शिंदे सरकार के खिलाफ MBA ने मोर्चा निकाला, भाजपा का माफी मांगो आंदोलन होगा। आपके कारण हो रही मौत, चिल्लाए नहीं तपस्या करे, सीएम नीतीश कुमार को गिरिराज सिंह की सलाह। सरकार ने कहा केंद्र के 21 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों ने किया डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग। भारत भूटान चीन सीमा पर ड्रैगन की नई साजिश का खुलासा, ट्राई जंक्शन पर बढ़ाई एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आम लोगों को राहत, कुछ चीजों से हटी GST, पान मसाला और गुटखा उत्पादों पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST परिषद की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। इस बैठक में GST कानून का गैर अपराधीकरण करने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही दाल की भूसी पर GST 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। हालांकि इस बैठक में पान मसाला और गुटखा उत्पादों पर टैक्स को लेकर कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। बैठक के बाद राजस्व सचिव की ओर से कहा गया है कि GST परिषद ने कुछ अपराधों के गैर अपराधीकरण पर सहमति जताई है। इसके साथ ही अभियोजन शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा को दोगुना कर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायता मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बताया गया है कि समय कम होने के कारण GST परिषद में 15 से केवल 8 मुद्दों पर ही फैसला हो पाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली फसल आने तक नहीं होगी अनाज की कोई कमी, भंडार में पर्याप्त खाद्यान्न, केंद्र सरकार। जी हां, केंद्र सरकार ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है। वहीं सरकार ने कहा है कि वह लगातार जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नजर रख रही है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सके। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज एक बयान जारी कर यह बात कही। आज जारी हुए इस बयान में मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अतिरिक्त आवंटन के लिए भारत सरकार के पास केंद्रीय पूल में अनाज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। बयान में कहा गया है कि भंडार में इतना गेहूं मौजूद है कि अगली फसल आने तक अनाज की कोई कमी नहीं होगी। फिर पड़ी महंगाई की मार, दिल्ली में 95 पैसे महंगी हुई CNG, इस साल 25 रुपए से ज्यादा महंगी हुई। जी हां, दिल्ली में CNG के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है, इस बार 95 पैसे प्रति किलो रेट बढ़ाए गए हैं। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगी। अब दिल्ली में 1 किलो CNG 79.56 रुपए में मिलेगी, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 82.12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। गुरुग्राम में 1 किलो CNG 87.89 रुपए में अब मिलेगी। बताया जा रहा है कि CNG के दामों में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण विदेश से नेचुरल गैस की आवक में कमी है। वहीं भारत में अपनी खपत का 50% ही गैस का उत्पादन हो रहा है। भारत में CNG से चलने वाली गाड़ियां बढ़ी है, घरों में PNG का इस्तेमाल भी बढ़ा है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नेचुरल गैस के दाम में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा भारत, 4G कनेक्टिविटी और चेक पोस्ट तक सड़कों पर फोकस। जी हां, चीन लगातार जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे भारत एकदम सतर्क हो गया है। एलएसी पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। एक साथ 10 से ज्यादा जेसीबी मशीन काम कर रही है। ये काम तेजी से इसलिए किया जा रहा है ताकि 4G कनेक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा तेजी से विकसित किया जा सके। चीन आक्रमण कर सकता है या विस्तारवादी नीति के तहत जमीन हड़पने की कोशिश करता है, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएं। इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को बेहतर करने का एक और भी बड़ा पहलू है, वाइब्रेंट विलेज के तहत आप टूरिज्म को डेवलप करना चाह रहे हैं और लोग यहां आते हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर 4G नेटवर्क आती है तो टूरिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिससे कि डबल फायदा होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।